तो देखिए दोस्तों, हम जैसे ही स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन में आता के हमारा स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक अभाव के कारण आवेदन विभाग को अग्रेषित नहीं होगा और जनता अकाउंट में खुद का बैंक खाता लगा होना चाहिए स्टूडेंट का। हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं न्यू एप्लीकेशन के अंदर, वापस आते हैं। न्यू एप्लीकेशन में जैसे आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फॉलोइंग डिटेल नॉट अपडेट इन जन आधार कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट नेम नोट मैच्ड जाति प्रमाण पत्र में नाम भिन्न है, कृपया ई मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड में उपरोक्त विवरण अपडेट करें। तो ये समस्या हमें बहुत ज्यादा आ रही है जैसे ही हम स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान, तो देखिए दोस्तों, ये समस्या आपको मुख्यतः उस कंडीशन के अंदर आती है जब आपका जाति प्रमाण पत्र जन आधार कार्ड से लिंक न हो। अगर लिंक हो तो किसी अन्य सदस्य का लिंक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो अगर आपका जाति मूल लिंक नहीं है तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लेना। अगर आपको वहां पे ऑलरेडी लिंक हुआ मिले तो उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले काम यही करना होगा कि आपके जन आधार कार्ड की ईकेवाईसी करनी होगी। जन आधार कार्ड की ईकेवाईसी करने के बाद में आपको आपके जन आधार कार्ड में सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं। जन आधार कार्ड में सभी दस्तावेज अपलोड, आपकी ईकेवाईसी करते ही सबसे पहले आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद में फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको आपका नया जाति प्रमाण पत्र बनाना है। नया जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में जब आप उस जाति प्रमाण पत्र को प्रिंट कर लोगे उसके बाद में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और समझ में भी आ गई होगी किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।